गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग। आज के लेक्चर में क्या क्या होने वाला है जल्दी से बात कर लेते हैं। ऑब्वियसली बेस्ट ऑप्शन तो आपको मिलने वाली है 34 डेज में कैसे तैयारी करें। आज के लेक्चर से चार तरह के बच्चों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। एक, जो इस बार लेक्चरर कैडर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको बहुत बेनिफिट होगा। दूसरा, वो बच्चे जो चाहते हैं यार अगर खुद से जब पढ़ने लगते हैं तो बहुत सारा टाइम ये सोचने में निकल जाते हैं आज क्या पढ़े क्या पढ़े, जिनको टाइम की वैल्यू पता है, आपके टाइम से इम्पोर्टेंट इस समय कोई चीज़ नहीं है और टाइम को ख़रीदा नहीं जा सकता, तो टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे हो सकता है उनके लिए। तीसरा, उन बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो बच्चे चाहते हैं यार बने बनाया मटीरियल मिल जाए, सर मेरे में कैपेबिलिटी है, मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ, और उनको ये भी लगता है ये पर्सन आपकी मदद कर सकता है, उनको बहुत काम देने वाला है। कहते हैं जब गुरु और शिष्य का रिश्ता विश्वास वाला बन जाए सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाता है। और चौथे वो बच्चे हैं जो बच्चे पिछली बार, इस बार लेक्चरार तो नहीं देने वाले हैं लेकिन पिछली बार मास्टर कैडर का पेपर दिया था, जब दिया दो चार नंबर से रह गए, इस बार उनको लगता है यार अभी 5-6 महीने में वेस्ट कर चुका हूँ, मुझे मोमेंटम चाहिए, मुझे मास्टर कैडर के लिए ऐसा चाहिए यार भी मेरे को मोमेंटम मिल जाए। सही समय भाई, क्योंकि आपका भाई तैयारी करवाने वाला है लेक्चरार वालों को, अभी पूरा शेड्यूल देने वाला हूँ, आप देख के हैरान हो जाओगे क्या क्या वैल्यू मिलने वाला है। जब उन सब लोगों को इतना वैल्यू मिलने वाला है आप उसमें से क्या बेनिफिट उठा सकते हो, सुपर सुपर मज़ा आ सकता है, बताऊँगा एक एक चीज़। और नेक्स्ट जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो सबसे सबसे इम्पोर्टेंट है, ये जो मैंने तैयार करके आपके साथ लेके आया हूँ लगभग 3 लगे हैं मुझे, ऑलमोस्ट अगर आवर में बात करो तो 40 से ज़्यादा आवर्स लगे हैं पूरे शेड्यूल को तैयार करने में, ये डिसाइड करने में कौन सा टेस्ट देना है, किस डेट को टेस्ट देना है। तो देखते हैं आज का ये जो आपके लिए मैं लेके आया हूँ आपको कितना पसंद आ। लास्ट में आप सबके जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं सारे पूछ लें, बच्चे कह रहे थे सर बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यूट्यूबर लाइव आते हैं सबके साथ आंसर करेंगे, राइट। तो बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी पिछली बार क्रैक किया था, आप लोगों का भी हो जाएगा। ऑलरेडी हम पंजाब में नंबर 1 चल रहे हैं सिलेक्शन के मामले में, लेक्चरार कैडर के लिए नंबर 1 नहीं रहने वाले ये पक्का हो चुका, क्योंकि जिस प्रकार की स्ट्रेटेजी के साथ हम मेहनत कर रहे हैं वो स्ट्रेटेजी पक्का फ्रूटफुल होने वाली, सब लोग देख ही लोगे, बहुत रिसर्च के साथ पूरा प्रैक्टिकली विजुलाइजेशन सब चीज़ों की बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जब भी कोई बच्चा लेक्चरार का पेपर देने जा रहा है, ये वीडियो उसको इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, इसमें मैंने पेपर का एनालिसिस बहुत अच्छे से करके आज उसमें काफ़ी सारी मैंने फाइन ट्यूनिंग की है, कुछ बड़े टॉपिक को छोटे छोटे टॉपिक में बांट के भी लेके आया हूँ ताकि आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कौन कौन से टॉपिक कितने कितने मार्क्स के आते हैं तो आपको हैरान हो जाओगे, देख भाई 2D अच्छा खासा दे, और ऐसे बहुत सारे टॉपिक आपको दिखने शुरू हो जाएंगे देखते देखते कौन कौन से टॉपिक कितने कितने नंबर के आने वाले हैं। प्लीज़ मेक श्योर आप इसको नोट कर लेना, ये 11th क्लास के टॉपिक थे, फिर 12th क्लास के टॉपिक्स हैं, यहाँ जो सबसे आसान होते हैं ना 7-8 नंबर बड़े फ्री वाले होते हैं जो आपको बड़ी मस्ती करवा सकते हैं। AOD के क्वेश्चन देखो, +2 में सबसे ज़्यादा AOD बन रहा है, और अगर +1 की बात करें तो 2D ज्योमेट्री बन रहा है, ज्योमेट्री के बाद सेट्स आसान भी है कर भी सकते, ग्रेजुएशन अच्छा टोटल भी आपको पता है ना लगभग 40-42 नंबर की 11th आ रही है, 35-40 नंबर का 12th आ रहा है, ग्रेजुएशन का 29-30 मार्क्स का आ रहा है, प्रोबेबिलिटी तो टॉप पे रहेगी रहेगी, प्रोबेबिलिटी का पूरा भी बताऊंगा, रियल एनालिसिस आने वाला है। ये रह गया एमएससी सबसे स्कोरिंग है, जिसने अभी तक एमएससी नहीं पढ़ा ना प्लीज़ मेक नोट्स, अभी से भी शुरू करोगे एमएससी हो जाएगी। एमएससी का ना जो चीज़ें पूछी जाती हैं बहुत टफ नहीं पूछी जाती, बहुत सारी सिमिलर चीज़ें भी पूछी जाती हैं, आज तक मेरिटोरियस के भी जो पेपर हुए हैं लेक्चरार के पेपर हुए हैं इन सब पेपर्स में हमने जो सेम चीज़ डाली है, अगर किसी बंदे की प्रोबेबिलिटी तैयार हो जाए प्रोबेबिलिटी पे टाइम लगा लो, बाकी सारे पे अगर आप देखोगे OR तो वैसे थोड़ी सी आती है, क्यूइंग थ्योरी और रिलायबिलिटी आता है, और बाकी सारे क्वेश्चन है वो थ्रेटिकल बेस्ड ही होते हैं, तो ये बड़े आराम से की जा सकती है। मतलब अगर किसी ने MSc नहीं की
अगर किसी को क्वेश्चन पूछना हो तो जरूर से बाद में पूछ लेना वीडियो के लास्ट में। अब ये मैंने सबसे इम्पोर्टेंट निकाला है, जो सब बच्चों को पता है भी, अगर लेक्चर आर का पेपर देने जा रहा है तो स्टैटिस्टिक्स 11th क्लास, प्रोबेबिलिटी 11th 12th, प्रोबेबिलिटी अंडर ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन वाली और पोस्ट ग्रेजुएशन 22 नंबर। एक तो हमने एक अलग कोर्स बनाया हुआ है इसमें सिर्फ इन 28 नंबर के ऊपर हम काम करते हैं, दैट इज सेपरेट कोर्स। बहुत सारे बच्चे उसमें भी पढ़ रहे हैं जिनको प्रोबेबिलिटी और स्टैट तैयार करना है। मैंने अपने पिछले कई सालों में जो टॉपिक सबसे ज़्यादा मेहनत से पढ़ा ना वो प्रोबेबिलिटी है पोस्ट ग्रेजुएशन। और अब जो मैं शेड्यूल बताने जा रहा हूँ, शेड्यूल में आखिरी 34 डेज में आप नोट कर लेना डे वन के अनुसार, राइट। वेलकम प्रियंका जी, ज्योति जी, गगन, किरण, दीपिका, जग्गू, प्रिया, अमन जो बहुत सारे बच्चे पहुंच चुके हैं, अच्छा लग रहा है। एक बार सब लिख दो रेडी इन द चैट बॉक्स, आई वांट टू सी ईच एवरी वन ऑफ यू, ताकि आपको भी अंदर क्रेज होना चाहिए यार। हमारे टीचर 40-45 घंटे हमारे लिए मेहनत करके आए हैं और हमें क्या क्या चीज़ें देने वाले। सुपर रेडी फिर इस बार छोड़ के आना है, बहुत हो गया। आप गुड चिंकी, गुड किरण, गुड शंकर, गुड दीपिक, और KVS का एग्ज़ाम बच्चे देके आए हैं। एक बार जो बच्चे देके आए उनके मेरे को मैसेजेस आ रहे हैं, कुछ ऐसा कह रहे हैं ऐसा लग रहा था चेतन सर ने पेपर बनाया, कुछ ने कहा जो मैथ मेले में पढ़ा सेम टू सेम आ गया, सर हमने जो मॉक पेपर लगाया SATs था बहुत आसान पेपर है। बधाई देना चाहूँगा, बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया और क्रैक कराया। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले मैंने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया, 11th 12th, ग्रेजुएशन और मेरे अकॉर्डिंग आपको 11th 12th अगर आपने कर ली है तो आपको थोड़ा सा टाइम रोज 1-2 घंटे देना पड़ेगा, तीनों को बराबर भी दे सकते हो। अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं की और MSc नहीं की, अभी ज़्यादा करना चाहते हो, पहले 11th 12th KVS पे ध्यान था, तो फिर मैंने टाइम भी लिख लिया आपको कितना टाइम लगाना पड़ेगा। कल हम मनाने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स डे, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट डे। यहाँ जो लिखूंगा वो 11th 12th के टॉपिक रहेगा, डिटेल पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पूरा बताऊंगा। ये 11th 12th का टॉपिक आपको कल करना होगा, न्यूमेरिकल का करना होगा और साथ में प्रोबेबिलिटी पोस्ट ग्रेजुएशन। कल मैं लाइव क्लासेस ले, कल मैं एस्टिमेशन, हाइपोथेसिस, सारी टाइमिंग्स आपको आपके टेलीग्राम में आ जाए, कब कब कौन कौन सी आपको क्लास मिलने, ये सारे टेस्ट रहेंगे आपके 11th और 12th। रोज़ एक टेस्ट और उसका डिस्कशन का वीडियो, दोनों चीज़ें रहेंगी। तो पहले मैंने स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी को रखा, मैंने कहा यार सबसे ज़्यादा नंबर का तो वही आना है, तो MSc का प्रोबेबिलिटी मैंने सोचा यहाँ पे हम मोस्ट ऑफ द ख़त्म कर लेंगे, इधर 11th 12th का भी ख़त्म कर लेंगे, ग्रेजुएशन का यहीं इसके बीच में ही ख़त्म कर लेंगे। और ये इस प्रकार का मैंने शेड्यूल बनाया रोज़ रोज़, ताकि आपका एक सिस्टम बन जाए। आपको पता है यार सुबह 1 घंटा निकालना है 11th 12th, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन को टाइम देना है, MSc को टाइम देना है, ताकि अपन मेरे स्लॉट को फिल कर पाओ। एक बात पक्की है, लेक्चरार में सीट्स कम है, जो ज़्यादा मेहनत करेगा तो ज़्यादा चांस है। मैं जो शेड्यूल देने वाला हूँ अगर उसको फॉलो कर गए तो आपका चांस बहुत बहुत टाइट हो जाए। नवी लिख रहे हैं सर आज KVS में MMA की असाइनमेंट से 87 क्वेश्चन सेम थे, बहुत इजी पेपर आया, 2 क्वेश्चन रॉन्ग थे, समझ सकते हो भाई बहुत ज़्यादा है भाई। इतना बड़ा इंडिया लेवल का टेस्ट केंद्रीय विद्यालय, उसमें अगर बच्चे लिख रहे हैं 87-90% क्वेश्चन सेम टू सेम आए, बहुत बड़ी बात, हर बार आएंगे क्योंकि हम मेहनत इतनी कर रहे हैं। लेक्चरार के लिए MSc को तो मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके, ग्रेजुएशन के खासतौर पर, गुड न्यूज़, इतनों को पढ़ के खुशी हो गई, हाथ मिला, राइट, मिलने वाला। मैंने क्या सोचा, हम ग्रेजुएशन के लगाएंगे तो मैराथन क्लासेज हैं, दीज आर मैराथन क्लास, संडे फुल डे पढ़ेंगे, फुल डे मतलब सुबह बैठ जाएंगे शाम तक पढ़ेंगे। हर संडे को मैंने ऐसे बनाया, संडे ब्यूटीफुल बनाया। अब मेरे कंसेप्ट को समझना, मैं क्या करने जा रहा हूँ, ग्रेजुएशन का मैं आपको यहाँ पे ये आप तैयारी करोगे, ये जो तैयारी है ये आप करोगे सेल्फ स्टडी की तरह। यहाँ पे हम पूरी रिवीजन किया, क्विज खेलेंगे, पार्टिसिपेशन करवाएंगे,
तो पहले हफ्ते हमने रखा है न्यूमेरिकल, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, नंबर थ्योरी, रियल एनालिसिस और डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन। डबल ट्रिपल इसलिए रखा है क्योंकि इसी बार जो मास्टर कैडर हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे, दो तीन आ गए थे, गलत भी था ये क्वेश्चन, पाव निकलना शुरू हो गया। तो एक मैथ मिला हमने यहाँ, ये मैथ मिला ना यहाँ पे शाम को शुरू हो जाएगा, शनिवार शाम को ही, इसलिए यहाँ पे हमने स्पेस खाली, यहाँ पे स्पेस है उसको हम फिल करने। तो ये फर्स्ट वीक है हमारा। अब फर्स्ट मैंने पूरे मार्क्स के कोडिंग बनाया कि फर्स्ट वीक के अंदर हम कितने मार्क्स का काम खत्म करने वाले हैं। अब सेकेंड वीक स्टार्ट हो जाएगा, इधर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, बाउंडेड वेरिएशन लिबेग के लगातार तीन रियल के, इसमें इम्प्रॉपर रायमन लाइव क्लासेस मिलेंगी। तो जो मैं वीक में लाइव क्लासेस पढ़ाऊंगा वो समझना, वो एम एस सी की होंगी। जो संडे को पढ़ा करेंगे वो ग्रेजुएशन पढ़ा करेंगे। जैसे ये रिवाइज कर लिए टॉपिक हमने पूरे वीक में, या फिर आपको मैथ मिला मिले सबके लिए रहेगा। सब लोग जो लेक्चरर कैडर, अभी बताऊंगा जो लोग मास्टर कैडर के वो कैसे बेनिफिट उठा। यहाँ पे सारे चैप्टर वाइज टेस्ट 11 12th के, फिर आगे नेक्स्ट शेड्यूल आ जाएगा। अब हर चीज़ को इतना सिस्टमेटिक बनाया, यहाँ मैकेनिक्स पढ़ेंगे, टॉपोलॉजी पढ़ेंगे, तो 9 मार्च तक हमारी 11 12th ख़त्म हो जाए। तो 10 को हम 11 12th के बेस का एक फुल टेस्ट ले लें। इधर ग्रेजुएशन ख़त्म हो जाएगी तो इधर ग्रेजुएशन का एक टेस्ट हो जाएगा, इधर ग्रेजुएशन का एक और टेस्ट हो। तो हमने ऐसी तैयारी रखी है भी 10 तारीख तक हम ख़त्म करें, और 11 तारीख को हमारा फुल टेस्ट भी हो, फुल मॉक पेपर, जिसमें 11th 12th बीएससी फीलिंग वाओ। उसके बाद डिस्कशन करेंगे, संडे है तो ये संडे को हम डिस्कशन करेंगे पूरे मॉक पेपर, जो 3 घंटे हमने यहाँ पे लगाए हो पेपर देने में, 2.5 घंटे उस पूरे की डिस्कशन। हर एक संडे आपका यूटिलाइज करें। जो कल संडे है उसमें हम स्टैट्स मनाने वाले हैं। कल हम शुरू करेंगे शाम को 4 बजे, कल हम शुरू करने वाले 4 PM 3:50 क्लास स्टार्ट हो जाएगी, म्यूजिक ऑन, 4 बजे हम स्टार्ट करेंगे। और जो उसके बाद के संडे होंगे वो फुल डे होंगे, सुबह शुरू हो जाएंगे शाम तक चलेंगे। फिर उसके बाद हर एक संडे आपका 12 तक मैंने कोशिश की है अभी 26 मार्च से पहले आपको कुछ टाइम बचना चाहिए। पर अब उसके बाद 13 तारीख को मेटोरियस का फर्स्ट पेपर सॉल्व जो पहले हो चुका है, फिर अगले दिन आपका फिर मॉक पेपर होगा। इस मॉक पेपर में 11 12th और बीएससी आएगी, क्योंकि इसके साथ एमएससी का एक अलग पेपर होगा। यहाँ पे एक एमएससी लेवल का एक अलग अलग से पेपर, ये 150 मार्क्स का होगा, का भी पूरा वीडियो डिस्कशन आएगा। अगले दिन 2 टेस्ट है, यहाँ तक एक एक टेस्ट, अब दो दो टेस्ट शुरू हो जाएंगे। 15 को 2, 16 को 1 है क्योंकि डिस्कशन भी है, 17 को फिर 2, फिर 18 को फिर पेपर है। अब आप काउंट करना भाई आपके कितने फुल पेपर होने वाले, आपको मज़ा आ जाएगा कहाँ से फुल पेपर शुरू हो। 3 तो इधर हो चुके थे, अभी मैंने एमएससी वाले डालने हैं, 4, 5, 4, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20 तक तो मुझे दिख, और बीच में भी एमएससी वाले मैंने डालने हैं तो वो भी रखने हैं, 22 तो दिख ही रहे। कितने सारे आपके पेपर, रोज पेपर होगा। आप सोचो पेपर में जाने से पहले आपके इतनी बार आपके हाथों से कुछ निकल जाए, इतनी बार हाथों से कितनी बार आप प्रैक्टिस करो, ताकि 24 और 25 को टैक्स करो, रिवीजन करोगे कौन से मेथड से रिवीजन करोगे एक बार चैट बॉक्स में बता दो, विच मेथड यू अडॉप्ट फॉर कंप्लीट रिवीजन। यू आर ऑफ मैथ, गुड प्रियंका, गुड शंकर, गुड ज्योति, चरणज्योत। आप देखो यार, जितना भी आपने आज तक मैथमेटिक्स 11th से सिस्टमेटिक वे से और टाइम लगा डेट्स को सेट करने, क्योंकि मुझे संडेज को इम्पोर्टेंट बना, और यहाँ पे फिर हम डिस्कशन करेंगे। ये जो 2 पेपर मिलेंगे आपको फुल, ये आपको पेपर मिलेंगे, आप प्रिंट आउट निकाल के घर पे डॉट्स भरो,
23 और 24, 22 और 23, 24 25 और 26 को हमारा पेपर क्रैक करके आए. व्हाट इज दिस? अब आप लोगों की मैं केयर कैसे करूं? मजेदार. आप लोगों की केयर कैसे करना? आप लोगों की केयर के लिए ये जितने भी टेस्ट हैं आप लोग रोज दोगे, मेरे को रिपोर्ट आएगा. और हमने एक स्पेशल टीम और हायर की है सिर्फ और सिर्फ इस पर्पस के लिए. कल मैं उनका ट्रेनिंग कर रहा हूँ जो आप लोगों को पुश करेगा. कुछ समझते हो? वो मिलेगा. और हमारी ओर से मैसेजेस और ये सब चीज़ आपको आते रहेंगे. मतलब हम आपको ढीला पड़ने ही नहीं देंगे. अगर आपके अंदर थोड़ा भी स्पार्क है ना, स्पार्क को हम आगे ले जाए. बस आपका काम है सिर्फ सारी दुनिया को छोड़ के स्टडी करना. मान लो आप कहीं जॉब भी कर रहे हो या ट्यूशन भी पढ़ा रहे हो और आपको लगता है यार मेरे को उसके साथ मेहनत, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से एक कर लो. अभी तक अगर नहीं छोड़ पा रहे हो, वैसे तो स्कूल्स में भी तो छोड़ सकते हो, सिलेबस हो गया दो चार दिन और जाकर, नहीं तो अभी से ही छोड़ दो, ड्रॉप कर दो. और आप सुबह सुबह उठ सकते हो, 4 से 7 पढ़ लो. शाम को पढ़ना है तो फिर 7 बजे बैठ के 12 बजे तक पढ़ लो, तो भी तैयारी हो सकती है. तो पढ़ना है ना, उसने कोई ना कोई रास्ता निकाले. और ऐसे समय वापस लेक्चरार एक जॉब कहने में आसान है. हम तैयार हैं. अब आप लोगों को क्या क्या मिलेगा, किस किस को? आपने अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन लिया हुआ. हमने बहुत सारे कोर्सेज में बहुत सारे गिफ्ट्स डाल दिए जो कि पहले नहीं थे. हमने और बहुत सारे टेस्ट हो. अभी जो मुझे लगता है सबसे बेस्ट कोर्स वो ये वाला है. दिस इज द बेस्ट. इस कोर्स में ये बेस्ट क्यों है इसको समझते हैं. एमएससी का सारा स्लिप टोटल सब कुछ मिलना, जितने भी टेस्ट मैंने कहे हैं एमएससी के टॉपिक वाइज टेस्ट. इसमें 11th 12th और ग्रेजुएशन के भी टॉपिक वाइज. दिस इज अ कंप्लीट कोर्स. मुझे नहीं पता आप किस कोर्स में. आप इसके ऊपर की वैल्यू वाले जितने भी आपके कोर्सेज में हो उन सबको तो ये मिलने ही वाला है. क्योंकि जिनके पास 11th 12th और ग्रेजुएशन का सिलेबस भी है, हमने जनवरी में शुरू किया था, 3000 का कोर्स था, उन सबको तो मिलेगा ही मिलेगा. उसमें कम वैल्यू थी, इसमें भी और ज़्यादा डाल दी, वो आप सबको भी मिलेगा. जिन्होंने 16 वाला लिया या 27 वाला, 29 वाले, अलग अलग कोर्सेज जो भी आपने लिए होंगे उन सबको तो सारी चीज़ें मिलेंगी. अब एक हमारा कोर्स ये चल रहा है 9000 वाला, ये इसमें 11th 12th नहीं है, सिर्फ एमएससी का वो पार्ट है. तो ये भी अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं अगर वो चाहते हैं मेरे साथ 11th 12th के और ग्रेजुएशन के टॉपिक वाइज टेस्ट देना. बस अगर ये लोग कल दोपहर तक रजिस्टर कर लेते हैं विद इन 24 तो एक गिफ्ट भी. मेरी जो संडे के दोनों मैथ मेल है वो भी इनको साथ, दो ग्रेजुएशन के 2 वीक में लेने वाला हूँ. बाकी तो एमएससी वाले आपको वैसे भी मिले, आप मैथ मेलों को भी बेनिफिट उठा. मेरा काम भी वही है, सिलेक्शन में मैक्सिमम योगदान देना. एक एट कोर्स चल रहा है हमारा, इसके अंदर क्या क्या वो सारा कुछ टिक टुक सब कुछ लगा. टीजर क्या क्या मिलने वाला है, ई बुक प्रो प्लस टेस्ट सीरीज. अगर आप ये देखोगे इसमें क्या क्या नहीं है, क्या क्या वो सब कुछ इसमें लिख रखा. कोई भी डाउट हो ऑफिस फोन कर ले. एक ये वाला कोर्स खूब भर भर के वैल्यू है. इससे बेटर प्लान ना तो आपने कभी खुद बनाया होगा ना किसी ने दी, ये मैं पक्का डट के बोल सकता हूँ. ना इतनी मेहनत आपके लिए कोई, इतने टेस्ट कोई बनाएगा, रात रात बैठेगा, दिन रात मेहनत करेगा, नॉट पॉसिबल. क्योंकि अपने को एक नशा सवार है. और आज तो हैप्पी महाशिवरात्रि, बहुत शुभ दिन है. और ये वही रात है जिस समय हम क्लास ले रहे हैं. बहुत सारी ब्लेसिंग्स हम काम कर रहे हैं. क्लास के बाद मैं भी मेडिटेट करने वाला हूँ. सब लोगों को ही करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट. आज किया हुआ मेडिटेट कहते उसका फल बहुत ज़्यादा हो. कुछ पल जरूर से आंखें बंद, तुम्हारे किसी भी नंबर के स्टेटस को चेक कर लेना जो हम मेडिटेट करते हैं. यहाँ पे भी हम शिखा जी पूछ रहे मास्टर कैडर के लिए बैच चल रहा है. मैंने ऑलरेडी बता दिया भाई, मास्टर कैडर के लिए बैच चल रहा है. अभी के अभी मास्टर कैडर वाले तो मास्टर कैडर पढ़ना है, अभी के लिए अभी मैसेज कर दो. अभी कभी कॉल करो, मैसेज उनसे एक बार मैसेज करके छोड़ दो, सारी इन्फॉर्मेशन लो. देखो आपकी लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है तो फिर
फायदा तो हमें उठा, हम बम बोले राज तो महाशिवरात्रि का प्रसाद मिल गया। वो बच्चे जो लेक्चरार के अंडर भी दे रहे हैं और जिनका पीएस टेट का भी, मैं आपको एक बात बता देता हूँ हीना जी, ये तो चैलेंज है जिनको दोनों देने हैं, कोई डाउट नहीं है। पर मेरे को कुछ ऐसे बच्चे भी जानते हैं पीएस टेट तो वैसे भी निकालते, तो नहीं पता ना आपका तैयारी कैसे। आपको अगर कोई लेक्चरार का मान लो कोई 8 घंटे पढ़ता है तो आपको 2 घंटे पी एस टेट के लिए अलग से पढ़ते, दैट्स वेरी सिंपल। उससे भी ज़्यादा टेस्ट लगाने पड़ेंगे और उम्मीद है उसकी तैयारी आपने काफ़ी कर भी ली होगी। जो मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट की सबसे अच्छी न्यूज़, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो मुझे ऐसा लग रहा है, आप देखो एक बार पिछले 5-7 महीने की गवर्नमेंट की वर्किंग, तो ये गवर्नमेंट ने क्या क्या किया। पंजाब पुलिस का पेपर भी नहीं, ईटीटी कैडर का भी पेपर, अभी मास्टर कैडर का पिछला पेपर ले चुकी है और पीएस टेट का पेपर दे दिया जो कि प्री क्वालिफिकेशन पेपर। अगर आप देखोगे तो इन्होंने खूब सारा एजुकेशन के क्षेत्र में इनिशिएटिव्स लिए हैं, इतने फास्ट नॉर्मली होता है, कोई गवर्नमेंट जाती होती है ना उस समय ज़्यादा, लास्ट 1-1.5 साल में हल्ला होता, आते ही इतना हल्ला हो गया। अब पीएस टेट अगर इन्होंने अभी निकाल दिया जो कि 12 मार्च को हो जाएगा, उसके बाद पिछले वाले मास्टर कैडर वालों का केस चल रहा है, उनको जॉब्स मिलेंगी, मान लो 2 महीने पड़ गए और फिर मुझे लगता है मास्टर कैडर वापस। आपको क्या लगता है, बात समझ किस स्पीड से गवर्नमेंट काम कर रही है, तो थैंक्स करना चाहिए, दे आर क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे, अब जब ये पीएस टेट का क्रैक हो जाएगा नए बच्चे और ज्वाइन कर लेंगे, और कुछ बच्चे बड़े जोश के साथ लगे हो, तो मेरी हाथ जोड़कर विनती उन सब लोगों से, शिवरात्रि शिवरात्रि, अगर ई की मात्रा हटा दो तो क्या बनता है, ई लगा दो तो एनर्जी बन जाए, यही शिव, शिव मतलब एनर्जी। अगर आपकी एनर्जी आपको लगती है नहीं बन रही है तो आप हो, हाथ जगा दो, अपने आप से कमिटमेंट करो, एक बार कमिटमेंट ले लो यार, मैं अगले 15 मिनट पढ़ूंगा, अगले 30 मिनट पढ़ूंगा, छोटी छोटी कमिटमेंट लगो, अपनी एनर्जी को कहीं और जो जा चुकी है वापस ले, और ये सोच लो मुझे भी इस एनर्जी को फील करना है और इस एनर्जी के साथ मुझे पढ़ाई करना। देखो ये आपका लाइफ का गोल है, आपकी जितनी भी एनर्जी है ना, जितने भी विचार हैं, जो भी आपको है, सिर्फ गोल की तरफ फोकस होने चाहिए, आपकी सारी की सारी एनर्जी वो गोल को लगनी चाहिए, कहीं भी और लग रही है पोस्टपोन कर दो, जब तक आपका लेक्चरार कैडर नहीं क्रैक, जब तक मास्टर कैडर क्रैक नहीं हो, तब तक आपका पूरा एनर्जी एक एक थॉट एक एक चीज उसी जगह पे लगनी चाहिए। देखो हम लोग ऊर्जा से ही तो बने, ऊर्जा अगर गोल पे लग गई, अब जो बच्चे सिर्फ मास्टर कैडर के लिए, नाउ इंपॉर्टेंट चीज, जो बच्चे सिर्फ मास्टर कैडर पढ़ रहे हैं अभी लेक्चरार नहीं दे रहे, वो इस शेड्यूल का कैसे बेनिफिट उठा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जिन बच्चों का भी पिछली बार मास्टर कैडर कुछ नंबर से रह गया, पिछले 4-5 महीने हो सकते उन्होंने वेस्ट कर लिया, आज शिवरात्रि के दिन अपने आप लोगों को क्या करना है, अभी के अभी ऑफिस में बात कर लो, और आप लोगों को ये जो मैंने शेड्यूल दिया है, इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप एमएससी वाला पार्ट छोड़ के बाकी जितने भी टेस्ट हैं, 11th 12th ये वाले टेस्ट, और पूरी की पूरी ग्रेजुएशन, मैथ मिला, कितना कुछ मैंने दे रही है, संडे क्लासेस, उन सबका बेनिफिट ये आप लोगों के लिए। और जितने भी बच्चे ऐसे जो जिनको लगता है कि रोज ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, अभी मास्टर कैडर की तैयारी करें, उनके पास समय है, मैं उन लोगों को एडवाइस करूँगा ग्रेजुएशन का पूरा शेड्यूल मेरे साथ साथ करो। आप एक ही टारगेट लो, मास्टर कैडर वालों का टारगेट क्या है, ग्रेजुएशन का पूरा शेड्यूल कल से स्टार्ट कर देना है, कल नमेरिकल पढ़ रहे हैं, पूरा दिया हुआ है स्टेप बाय स्टेप, आपको गाइडेंस चाहिए तो ऑफिस में कॉल करके भी गाइडेंस मिले, तो आपको ये सारा शेड्यूल मिल चुका है। इस अकॉर्डिंग हमारा ग्रेजुएशन खत्म हो जाएगा, ये ग्रेजुएशन में 10 मार्च क्या ज़्यादा दिन है क्या, 19 फरवरी से लेके 10 मार्च क्या इतने दिन, 20 दिन लगभग आप कमिटेड हो सकते हो, 20 दिन मेरे को दे सकते हो, पूरी ग्रेजुएशन तैयार हो जाएगी।
पढ़ना खूब पड़े, 5 घंटे क्योंकि आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो, अगर पहली बार नहीं पढ़ रहे फिर उतना समय कम लगेगा। सिंपल इक्वेशंस मैंने सारी बारी आपके हाथ, देखते हैं आप मेरे अंदर से कितना अच्छा निकाल सकते हो, मेरे को कैसे, यही है। आपको पता है एक टीचर ऐसा है जो अपने पास कुछ नहीं रखता, यूट्यूब पे भी आता है, जब भी आता है दिल खोल के बांटता है, मांग के तो देखिए, पूछ के तो देखिए, लेकिन मेरा एक ही सपना है, मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा लोग गवर्नमेंट जॉब, और जो हम पंजाब का टॉप इंस्टीट्यूशन सिलेक्शन के मामले में, सिलेक्शन के मामले में तो टॉप रहेगा, क्वालिटी के मामले भी हम टॉप पे पहुंच, इंडिया लेवल पे जा रहे हैं तो इंटरनेशनल लेवल, और आप सब लोगों को इतना क्वालिटी एजुकेशन देना है ताकि आप लोग भी हमारे साथ खड़े होकर मैथमेटिक्स को ध्यान बनाएंगे, मिलकर पढ़ाएंगे। शिखा जी पूछ रहे डेली कितने आवर की क्लास होती है, ठीक है तो अलग अलग शेड्यूल होता है, वीकली शेड्यूल होता है, ये तो उनके लिए जिनका लेक्चरार का पेपर, जिनका मास्टर कैडर उनका अलग शेड्यूल होगा, आप कितने घंटे निकाल सकते हो उस अकॉर्डिंग शेड्यूल। रमन कांसल जी पूछ रहे 11th 12th के टॉपिक टेस्ट अगेन सेंड करो, ये भी करने, ये आप किस बैच में उस पर डिपेंड करेगा, डोंट नो इन विच बैच, का मास्टर कैडर को आंसर की कोर्ट ऑर्डर उन्होंने सुनील जी 1 महीना दिया है, 1 महीने के अंदर देखते हैं क्या वो करते हैं, लेट इट बी, आप अपना फोकस उस पर हटा दो, अगर आप लेक्चरार की तैयारी करो तो फोकस पर रख लो और उसके लिए प्रार्थना करो, जो हो वो सबके लिए सही होना चाहिए, जो भी गलतियां उनसे हुई हैं वो इम्प्रूव हो, मैं ऐसा ही प्रार्थना करता हूँ। गुड गगन, आई एम 100% कमिटेड टू क्रैक लेक्चरार कैडर एंड, डोंट वरी सुनील, होप फॉर बेस्ट, मिलकर आप और मैं जो प्रे कर सकते हैं जो हमारे हाथ में, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं, केसेस किए हैं, कुछ गड़बड़ नहीं उसमें, अच्छा ही किया उन्होंने, ताकि सबके साथ सही होना चाहिए। ना मनदीप कौर, जस्ट इसमें कॉल कर लूँ, सब कुछ आपको डिटेल में, क्या मास्टर कैडर वाले भी लेक्चरार क्लियर कर सकते हैं, आपने भरा हुआ है उसके अकॉर्डिंग है, वो MSc किया हो आपने। आज का वीडियो इतना रखते हैं, अब मुझे इस वीडियो के नीचे, जैसे इस वीडियो को ख़त्म करूंगा उसके बाद आप सब लोगों का कमिटमेंट, ये वीडियो हम तब तक रखें कि जब सिलेक्शन हो जाएगी वहीं पे आके वापस कमेंट लिखेंगे, वहाँ पे आपका कमिटमेंट लिखना है, आई एम टोटली डेडिकेटेड टू यू, आई एम फुली कमिटेड, और जो कुछ आप लिखना कमिटमेंट के लिए, मैं रोज़ इतने घंटे कम से कम, ऐसे कमिटमेंट नहीं दे देनी सर मैं आपको फॉलो करूँगा, कितने घंटे पढ़ोगे वो मुझे चाहिए, बिकॉज नाउ इट्स टाइम, और वो कब लिखना है, जब ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म होने के 1 मिनट बाद जाके, तब तक कॉपी पे लिख लो, अपना शेड्यूल बना लो कितने घंटे आप पढ़ने वाले, राइट, ठीक है जी, मिलते हैं कल, चैट्स डे मनाएंगे।